हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 31 मार्च 2019 है, संडे का दिन है और आप पे जो अपडेट लेके आए थे, एक सेक्टर था, सेक्टर अपडेट लेके आया था मेटल का, निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल में देखेंगे 14 टोटल, एक 15 है इंडिसेस है, उसमें 14 एडवांस है और एक डिक्लाइन है। मतलब समझिए कि सारे के सारे एडवांसेस की ओर हैं और डिक्लाइन में सिर्फ एक एप्पल अपोलो जो था वो है डिक्लाइन। अदरवाइज आप देखेंगे सब है, उसमें जिंदल ने क्या सॉलिड जंप लिया है, सेल, नेशनल एल्युमिनियम, एनएफडीसी, वेल्समैन कॉर्प सभी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे, टाटा स्टील, और कहीं ना कहीं एक निफ्टी मेटल में ब्रेकआउट जैसा दिखने को लग रहा है। अगर लास्ट महीने की बात करें, लास्ट साल भर की बात करें तो इसमें 13% का निगेटिव रिटर्न है, लेकिन लास्ट 30 डेज की बात करें तो 6.63 का रिटर्न दिखा रहा है। इसका 52 वीक हाई जो है 3944 है, 52 वीक लो है 2649, और अभी जो क्लोज प्राइस चली है 3044 का। अगर चार्ट में जाकर के देखने की कोशिश करें इसको चार्ट में, तो आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं एक यहाँ से अपर अप जा रहा है और एक बुलिश की तरह यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा है, और ये वीकली चार्ट पे है ये, और एक बुल टाइप का खींचा यहाँ पे, हैमर नीचे था बट इसको क्रॉस करते हुए ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक इसमें दिख रहा है ऊपर आरएसआई भी देखे तो 47 दिखा रहा है, और अगर मैं इसको बोलिंगर बैंड में देखने की कोशिश करूँ तो ये मिडिल पॉइंट को भी क्रॉस कर रहा है, और एक बार यहाँ से लगता है कि ऊपर उठने की क्रॉस कर रहा है और 3320 तक जाने की कोशिश कर सकता है। कहीं ना कहीं ये 3044 है और पहला 3200 और फिर 3300 की ओर जाते हुए आपको ये निफ्टी मेटल में देखने को मिल सकता है। अगर डेली बेसिस पे भी बात करें, अगर शॉर्ट रेंज में बात करें, ये पहले 3072 की ओर जाएगा, 3100, और फिर वहाँ से 3200 की ओर जाते हुए आपको कहीं ना कहीं ये दिखेगा। शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेली चार्ट पे देखें तो ऑलरेडी ये मिडिल पॉइंट से ऊपर की ओर जा चुका है, 3072 की ओर जाते हुए दिख रहा है। तो वापस आपको यहाँ से निफ्टी मेटल में हो सकता है कि 6% की रिटर्न, मतलब 180 पॉइंट से 200 पॉइंट तक आपको गेन वापस इस महीने भी आपको यहाँ पे मेटल में दिखेगा। तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसमें से कुछ और शेयर है जिसपे चार्ट लेके आया था, जैसे इसमें निफ्टी मेटल में देखेंगे तो अगर मैं इसके डेली बेसिस पे देखूँ तो अब ये देखिए, एक और चीज़ देखिए, जो 21 दिन का ये मूविंग एवरेज है ये क्रॉस कर रहा है, ये 50 डेज के डेमा को क्रॉस करते हुए क्रॉस ऊपर की ओर जा रहा है, जो कि है 29553, और अब ये कहीं ना कहीं जो अपने 200 डेमा है जो कि 3183 है उसकी ओर जाते हुए आपको दिख रहा है, अपने 3200 की ओर जाते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पे पैटर्न, वापस बाइंग पैटर्न आप देखिए, यह जो फॉल किया था, फॉल करने के बाद अब यहाँ से उठते 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 अब ये ऊपर की ओर जा रहा है, और यहाँ पे अच्छे खासे सारे दिन के जो जिन नीचे छोटे छोटे कैंडल थे एक साथ बुलिश कैंडल बनाते हुए वॉल्यूम के साथ ये ऊपर की ओर जा रहा है। इसमें से जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स जैसे जिंदल स्टील एंड पावर देखे, तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने क्लोजिंग दी है, अपनी जो क्लोजिंग दी है 179.70 की क्लोजिंग दी है, विथ क्या वॉल्यूम पैटर्न आप देखिए इसको, क्या वॉल्यूम के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ये वॉल्यूम है। और वहीं पे देखिए कहीं ना कहीं ये जो 20 दिन का एवरेज है इसको क्रॉस करते हुए, यहाँ से जंप करते हुए 200 को क्रॉस करते हुए 179 की ओर है डेली बेसिस पे। तो अगर मैं इसको वीकली बेसिस पे देखने की कोशिश करूँ तो ये कहीं ना कहीं, अभी ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलरेडी ये वीकली बेसिस को भी क्लोज करते हुए ऊपर की ओर जा चुका है। तो ये अपने वीकली बेस को भी यहाँ से क्रॉस करते हुए ऊपर निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको वीकली बेस हो चाहे 200 डेमा हो, ये इसका सारे क्रॉस करके ये बैठा हुआ है वीकली बेसिस पे भी, और वॉल्यूम भी देखे तो नीचे अच्छे की ओर आ रहा है। तो आप इसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा पैटर्न बनते हुए जिंदल स्टील पावर में देख सकते हैं, और 182 जो शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा सकता है, और अगर मैं इसको डेली बेसिस पे तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, और मंथली बेसिस पे बोलूँ तो ये कहीं ना कहीं 192 तक जाने के दम रखता है, और अगर ये 192 तोड़ता है तो फिर 200-250 की ओर जाएगा, 250 की ओर जाते हुए आपको दिख सकता है। तो जिंदल स्टील पावर में 192 की ओर आपको देखने को भी रिसेंटली मिल सकता है। दूसरा स्टील में देखेंगे, सेल में देखेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी देखिए अपने डेली बेसिस पे देखेंगे तो 20 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर जा रहा है, और कहीं ना कहीं 60 पहला आप देखेंगे तो इसको यहाँ पे 55 के पास रेसिस्टेंस है थोड़ा सा, तो 55 और फिर 60 की ओर जाता हुआ आपको दिखिएगा यहाँ पे। और वॉल्यूम देखिए, इस केस में भी आप वॉल्यूम देखेंगे, सेल में भी वॉल्यूम देखेंगे, ये अपने 20 दिन के एवरेज के ऊपर की ओर क्लोजिंग दे रहा है यहाँ पे भी, तो वॉल्यूम भी अच्छा है, सेल में ऊपर की ओर जा भी रहा है,
तो यहाँ सेल में भी आप एक बाइंग पैटर्न हो सकता है कि आपके लिए दिखे, और ये सेल भी अगर देखने की कोशिश करें डेली बेसिस पे, तो ये अपने मिड पॉइंट 52 को तोड़ते हुए 56.50 पहला टारगेट होगा इसका, जहाँ ये दिखा सकता है 56.50, और अगर ये इसको क्रॉस करता है तो वापस 61 की ओर जाते हुए आपको दिखेगा। 56 क्रॉस करता है तो 61 की ओर जाते हुए दिखेगा। नालको देखने की बात करें, नालको कोशिश करें तो ये आपने देखी लास्ट डे ही इसने भी अपने जो है 50 डेज के डेमा को क्रॉस करते कोशिश की, फिर वहाँ पे रुका है, और इसको एक जो 58 के पास इसका एक रेजिस्टेंस है, 58 का रेजिस्टेंस क्रॉस करते ही 62 की ओर जाता हुआ दिखेगा। और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो कहीं ना कहीं ये आपको वापस 70-80 के आसपास जाते हुए दिखेगा आपको। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो जब ये क्रॉस करता है आपका 70 क्रॉस करता है तो 70 के बाद 75 और कहीं ना कहीं ये फिर 86 की ओर जाते हुए आपको दिख सकता है। तो वीकली बेसिस पे भी देखें तो थोड़ा सा इसमें एक पैटर्न था जो डाउन ट्रेंड का लिया हुआ था, वीकली बेसिस पे अगर आप जाके देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये नाकों में एक कमजोरी थी, बट ये आप कहीं ना कहीं ऊपर की ओर ले रहा है, और एक बार आपको अगर ये टच करता है 56-59 क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं आपको 63 और 63 क्रॉस करता है तो फिर आपको 70 और 70 के बाद 75 ऐसे ट्रेंड की, और पॉजिटिव ट्रेंड के साथ यहाँ पे भी वॉल्यूम देखें आप, वॉल्यूम एक कंसर्न है। ये देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर बाइंग पैटर्न आ गया थर्ड लेवल को तोड़ने का दम रखता है, और वॉल्यूम देखिए स्मार्ट वॉल्यूम, ये स्मार्ट वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस वॉल्यूम में कहीं ना कहीं आपको मेरे को जो दिख रहा है कि इसमें भी बाइंग आ रही है। एक मॉल लिमिटेड है, मॉल इंडिया लिमिटेड, ये सारे टेक्निकल पैटर्न पर, मैं किसी पे भी फंडामेंटल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ये सारे डिस्कशन टेक्निकल पैटर्न पर सिर्फ हो रहा है। यहाँ पे आज जो डिस्कशन है केवल टेक्निकल पैटर्न पर डिस्कशन है, नो फंडामेंटल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी देखेंगे, मॉल में भी देखेंगे तो मॉल भी एक अप ट्रेंड दे रहा है, और डेली बेसिस पे कहे तो ये डेली बेसिस पे अपनी जो मूविंग एवरेज है 156-158 की क्लोजिंग दिया है, तो ये कहीं ना कहीं ये भी ऊपर की ओर जाते हुए 157-170 की ओर जाते हुए आपको दिख रहा है। अगर इसको मैं डेली बेसिस पे देखने की कोशिश करूँ, वीकली बेसिस पे देखने की कोशिश करूँ तो जस्ट मिनट, तो ये कहीं ना कहीं इसको एक यहाँ पे 164 के पास रेजिस्टेंस मिलता है, और 164 तो उतना नहीं, बट आप देखिए मोबाइल में उतना ज़्यादा स्मार्टनेस और वॉल्यूम भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, स्ट्रेंथ तो है बट वॉल्यूम में उतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। तो मोबाइल उतना अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं दिख रहा है, बट जब सेक्टर चलेंगे तो सारे चलेंगे, और कहीं ना कहीं आपको मोबाइल भी आप देखेंगे वीकली बेसिस पे तो पहला ये 162 और 162 क्रॉस करता है तो आपको फिर ये 179 की ओर जाते हुए दिखेगा। डेली बेसिस पे भी अगर देखें तो इसने मिडिल जो इसका 158 है उसको टच लिया है, और कहीं ना कहीं 167 की ओर जाते हुए दिख रहा है। डेली बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम अपसाइड दिख रहा है आपको, तो ये भी वॉल्यूम में भी है, तो स्टील सेक्टर में तेजी है, और उस तेजी में अगर दौड़ना चाहते हैं तो जिंदल स्टील, सेल, नालको ये एक अच्छा परफॉर्मर, और आप खुद जिंदल स्टील को जाकर चेक कीजिए डेली बेसिस पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पावर है उसमें और क्यों इसको डिस्कशन करना है ज़रूरी है। आप ये देखिए अगर ये वॉल्यूम के साथ टूटता है जो अपने इसने सारे वॉल्यूम इस लेवल पे भी रेसिस्टेंस को क्रॉस करते हुए तो नेक्स्ट जो इसको रेसिस्टेंस आने वाला है 188 के आसपास आएगा वो, और अगर ये 188 क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं ये वापस अपने ऊपर की ओर जाते हुए 220 की ओर जाते हुए दिखेगा। तो ये एक पहला यहाँ पे 180 के आसपास देखिए क्या अगर करता है ये 188 के आसपास, 179 अभी चल रहा है तो 188 जो कि क्रॉस कर जाना चाहिए इसको, और ये क्रॉस करता है तो फिर आपको यहाँ पे 179 आ रहा है, तो 182 के आसपास जाकर के आप देख सकते हैं इसको डेली बेसिस पे ही देखें, तो ये 182 आ रहा है, यहाँ पे 188 आ रहा है, बोलिंगर बैंड्स में 182 है, और यहाँ पे जो रेसिस्टेंस लेवल शो कर रहा है वो 188 बोले या 188 के आसपास आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको 188-200 की ओर, क्योंकि वॉल्यूम बहुत अच्छा है, वॉल्यूम सॉलिड है और सारे को क्रॉस किया तो ये रुकेगा नहीं, ये पहला डे का वॉल्यूम है और एक दो दिन का वॉल्यूम आएगा ही आएगा। तो मेटल सेक्टर में थोड़ा सा वॉचलिस्ट रखें, ध्यान रखें, हो सकता है कि मेटल सेक्टर में आपको एक तेज़ी देखने को मिले, और मेटल सेक्टर अगर सिंपल
चार्ट पे भी देखने की कोशिश करें तो ये आपको 3220 तक जाने का दम रखता है, 3220 तक जा सकता है आपको। और अगर यहाँ से 6% का रिटर्न भी देखें तो 180 पॉइंट होता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये मेटल सेक्टर 620 की ओर जाते हुए, 3220 की ओर जाते हुए दिखता है। ये मेरा कोई भी बाय रिकमेंडेशन या सेल रिकमेंडेशन नहीं था। अगर आपको कोई भी बाय करना है या सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।